बनाऊंगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट जो आपके पास घर पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ज्यादा कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल कर रही मैं जो आपको बाजार से लाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आपके घर पे ही मौजूद होगी। तो हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मेरी लास्ट वीडियो काफी दिन पहले मैंने अपलोड की थी, थोड़ा सा गैप आ गया उसमें क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा मेरा टूथेक हो रहा था, तो बहुत ही सवियर किस्म का टूथेक था एंड आई वॉज सफरिंग इट अ लॉट। तो बस दो दिन का रेस्ट लिया है, मेडिसिन वगैरह लिए हैं, बट टूडे आई एम डूइंग ग्रेट। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू अपलोड अ वीडियो एज वेल। तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, रेसिपी आपने एंड तक जरूर देखनी है, और कोई चीज आपने पूछनी हो एक्स्ट्रा या कुछ चीज समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर देम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काम आपने करना है, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो पहले जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। सो चलिए मैं आप किचन में चलती हूँ, चीजें मैंने रेडी की हुई है और आपके साथ मैं फुल एंड फाइनल रेसिपी शेयर करती। तो चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है बटर। बटर मैंने लिया है अनसॉल्टेड, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप एडिशनल नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है और रेसिपी के आगे जाकर मैं थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करूँगी ताकि बैलेंस हो जाए। तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। तो जो बटर मैंने इस्तेमाल किया था वो मेरे पास था फ्रीज, तो मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया है ताकि सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अगर आपके पास बटर रूम टेम्परेचर वाला है तो आप इसको हीट मत करिएगा। तो बटर में ऐड करूँगी मैं शुगर, शुगर मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर। तो शुगर लिया मैंने हाफ कप। तो मेयरमेंट्स आपने इसको ज़रूर देखना है क्योंकि मेयरमेंट्स ही सब कुछ होता है, अगर आपने कोई कुकी बनानी है या कोई बेकिंग करनी है तो मेयरमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैंडल। तो मैंने 100 ग्राम्स ऑफ बटर में डाला है हाफ कप शुगर। अब शुगर और बटर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाता और चीनी और बटर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्सड अप नहीं हो जाती। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऐड करूँगी मैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो आप सॉल्ट मत डालिएगा एज आई मैंशन बिफोर, और फिर से हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी एक अंडा, और अंडा आपने लेना है रूम टेम्परेचर वाला, आपने फ्रिज वाला अंडा इस्तेमाल नहीं करना, और हैंड विक से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अंडे को। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मिक्सचर हमारा फ्लफी फ्लफी हो गया। अब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी आती है कुकीज़ में। तो बस जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एक कप मैदा। साथ में जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सो आप चेक करें हमारा जो बैटर है वो बहुत थिक थिक सा हो गया, ज़्यादा लिक्विड नहीं है इसके अंदर। और अब एट दिस स्टेज अभी आप लोग इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, डार्क चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं, इसके अलावा आपने कोई और नट्स वगैरह डालने हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा जो बैटर है ना कुकी का वो रेडी हो गया। तो मेरे पास है डार्क चॉकलेट, मैं वो ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चॉकलेट चिप कुकी का बैटर हमारा बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, अब इसको रेस्ट करवाएंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। बट आई वुड प्रेफर कि इसको आप रेफ्रिजरेट करें 1 घंटे के लिए, और तभी हमारा सेटल डाउन हो जाएगा और 1 घंटे के बाद हम लोग फिर इसको बेक करेंगे।
तो रेफ्रिजरेट करने से पहले मैंने प्लास्टिक रैप कर लिया था और आफ्टर 1 आवर हमारा जो बैटर है कुकी का वो बहुत अच्छी तरह से सेटल डाउन हो गया है, फ्रीज़ हो गया है। अब इसको आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना है और हम लोग उसको कुकी की शेप देंगे और बेकिंग ट्रे पे डालेंगे। अब कुकी का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, मैंने रखनी है 6 कुकीज़ पहले, तो कुकी मैं नॉर्मल साइज़ की रखूँगी, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। तो इस तरह से थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर होगा, लेकिन इसी टेक्सचर से आप कुकीज़ बनाएंगे अपने। तो बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से बटर के साथ ग्रीस कर लिया था और बाद में मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है, और अच्छी सी ग्रीस कर लेनी है आपने बेकिंग ट्रे, और इस तरह से आप कुकी की शेप देंगे। तो कुकी का साइज़ मैंने ये रखा है, बिल्कुल मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। इसी तरह मैं बाकी कुकीज़ भी रेडी करूँगी। एंड हियर वी गो, मैंने कुकीज़ प्रिपेयर कर ली है। अब मैंने प्री हीट किया हुआ था ओवन 180 डिग्री पे, वहाँ पे मैं रखूँगी कुकीज़ को। एंड आफ्टर 15 मिनट्स माई चॉकलेट चिप कुकीज़ आर रेडी। आप चेक करें कितना परफेक्ट साइज़ है मेरी कुकीज़ का। तो एक प्रो टिप मैं आपको दे देती हूँ, जब आपने ओवन से कुकीज़ निकालनी है आपने फ़ौरन ही इसको बटर पेपर से सेपरेट नहीं करनी, आपने इसको रेस्ट देना है रूम टेम्परेचर पे, जब आएगी तब आप इसको उठाइएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होगी तो ये टूट भी सकती हैं। तो ये है फ्रंट और बैक लुक मेरी कुकीज़ का, माशाल्लाह द फ्रेगरेंस वॉज गुड, द टेस्ट वॉज परफेक्ट, एंड मेरी कुकीज़ जो हैं वो परफेक्टली बेक हो गई हैं। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इसका इनर टेक्स्चर कैसा है। तो ये रहा मेरी चॉकलेट चिप कुकीज़, दिस वॉज सो यमी। तो आई होप आपको रेसिपी भी इतनी ही आसान लगी हो जितनी मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप लोग इसको मस्ट ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्टली बेक हो जाएंगी। मैं कर रही हूँ अपनी कुकीज़ को टेस्ट, और फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ हो और साथ में कॉफ़ी ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी, तब तक आप उसको रेसिपी को ट्राई करें, अपने घर पर आप भी कुकीज़ बनाइए और इन्जॉय कीजिए मज़े से। रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। दीज कुकीज आर माय फेवरेट, आपको सबवे की कुकीज भूल जाएंगे अगर आप ये कुकीज ट्राई करेंगे। आई एम श्योर यू विल लव इट, क्योंकि मामा को इतनी पसंद आई है, जब मैंने सबको टेस्ट करवाया एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ इट्स सो यमी। तो आप लोगों ने इसको मस्ट ट्राई करना है, मेरी कुकीज़ आज के बाद ये फेवरेट होने वाली हैं। सेम रेसिपी से आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिएगा, कम क्वांटिटी करना चाहते हैं तो आप हाफ कर लीजिएगा, इट्स ऑल अप टू यू कितनी क्वांटिटी करनी है। और कुकी का साइज़ भी कम ज़्यादा हो सकता है, आप मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, आप लोग छोटी भी बना सकते हैं, बारीक भी बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो दिस वॉज इट फॉर माई टूडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपने ट्राई जरूर करना है। आई विल सी पीपल इन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। Till then, take care, Allah Hafiz.